झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर। नवलगढ़ के गणेशपुरा इलाके में फायरिंग, भाइयों के आपसी विवाद में हुई फायरिंग। पहले दी धमकी, फिर घर पर फायरिंग करवाई। एक प्लॉट के विवाद से जुड़ा है फायरिंग का मामला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की घटना। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के गणेशपुरा मोहल्ले में फायरिंग की घटना के बाद दहशत है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, जिसमें एक युवक घर के बाहर गुस्से में इधर उधर घूमता दिख रहा है, साथ ही दो बार फायरिंग कर दहशत फैला रहा है। जानकारी के मुताबिक गणेशपुरा में रहने वाले प्रभु दयाल के तीन बेटे प्रेम प्रकाश, अशोक और राजकुमार थे। इनमें से प्रेम प्रकाश को उसके ही नाना भोला राम ने 1968 में गोद ले लिया था। तब से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 5-6 महीने पहले प्रेम प्रकाश ने राजकुमार के हिस्से का एक प्लॉट प्रभु दयाल को बेटा बनकर बेच दिया। जब राजकुमार को पता चला तो उसने थाने में FIR दर्ज करवाई और कोर्ट में भी परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया। एक तरफ FIR दर्ज हुई तो दूसरी तरफ कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, तो प्रेम प्रकाश इससे बौखला गया। उसने 14 जून को अपने भाई अशोक के बेटे पवन को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। वही बीती रात को घर के बाहर फायरिंग करवा डाली। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें प्रेम प्रकाश के स्पा सेंटर का पार्टनर गणेश सैनी उर्फ भांजा एक गाड़ी में आया। गाड़ी से उतरते ही उसने घर के बाहर गाली गलौज की और पत्थर मारे। इसके बाद भी वह घर के बाहर गुस्से में इधर उधर घूमता रहा और दो बार हवाई फायर किए, इसके बाद चला गया। इस मामले में राजकुमार ने थाने में प्रेम प्रकाश और गणेश समेत अन्य के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, फायरिंग करने और तोड़फोड़ करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला ये है कि ये रात को लगभग 9:40 पर आया यहाँ, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, और आकर उसने गोलियां चलाई और फिर उसके बाद में कब पत्थर मार कर शीशा तोड़ गया उसका मालूम नहीं हुआ हमें। अभी रिपोर्ट दी हुई है थाने में। इसमें एक तो ड्राइवर था, पीछे कोई बैठा था नहीं बैठा था ये हमें पता नहीं है, और ये उतरता हुआ जैसा आप देख रहे हो, और ये स्पा चलाता है, इसका गणेश नाम है, ये स्पा चलाता है और प्रेम जी चौकदार के पार्टनरशिप में इसका स्पा है, इसे सुन रखा है मैंने। हमारा एक प्लॉट है, ये मेरे नाना जी प्रेम प्रकाश है, मेरे नाना जी की दत्तक गया हुआ है, और इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करके मेरे प्लाट के, मैं राजकुमार प्रभुदयाल के नाम से मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नाना के नाम दत्तक चला गया, उसका नाना का नाम लग रहा है, वो उनकी संपत्ति का उपभोग कर रहा है। इसने फर्जी तरीके से मेरे प्लाट के कागज करवा कर इसको सेल कर दिया। मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और माननीय न्यायालय ने स्थगन दे दिया।